साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल यस फार्मिंग सोच किसान की में। और मेरे भाइयों, हमें मुजफ्फरनगर जिले के खतौली कस्बे में। और भाइयों, कमर्शियल के लिए अच्छी जानकारी है, आपको एक ऐसी इंडस्ट्रीज में घुमाएंगे। भाइयों देखो, जो हमारे जो क्या क्या बना रहे हैं, क्या क्या मशीनें तैयार कर रही हैं आज के आधुनिक युग में। और हमारा जो मुजफ्फरनगर है, और मुजफ्फरनगर जो खतौली जो हमारा कस्बा है, वहाँ की जो मिस्त्री और वहाँ की जो मैकेनिक और वहाँ की इंजीनियरी पूरे इंडिया क्या एशिया में भी पूरे हमारे मशहूर है। आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, देखो हम अली इंडस्ट्रीज, अली इंटरप्राइजेज खतौली में पहुँचे हैं। आओ पहले भैया जी का परिचय कराओगे और उनसे रूबरू कराते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार साहब, क्या है भैया जी? अच्छा भैया जी, आप थोड़ा सा सभी भाइयों को अपना परिचय दें। सबसे पहले तो मैं आप अपना नाम सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि आप खतौली में आए जी और हम लोगों को अपना बात रखने का मौका दिया जी। मैं अली एंटरप्राइजेस से हसन अली जी। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, दो तीन तरह की मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अच्छा। जैसे कि ट्रेंचर मशीन जी, ब्रिक्स मेकिंग मशीन अच्छा जी, और लोडर वगैरह अच्छा जी। दो तीन तरह की मशीनों के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैं आपको वन बाय वन करके सारी चीजें दिखाऊंगा अभी। अच्छा जी। तो सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं ट्रेंचर के बारे में। अच्छा जी, हमारी जो किसानों की भाषा में जो सिद्धि कहा जाता है, पाइपलाइन वाली मशीन, पाइपलाइन नाली खोदने वाली मशीन, जिसमें पाइप नाली की लगाई जाती है उसे खोदने के बाद। देखो भाई, वीडियो स्टार्ट करते हैं, आइए आपको पूरी इंडस्ट्रीज घुमाते हैं। आइए, आप देख रहे हो, देखो ये काफी बड़ी इंडस्ट्रीज है और कई सारे मैकेनिक हमारे इधर लग रहे हैं। देखो, और थोड़ा इधर लाओ भैया जी। अच्छा भैया जी, ये लोडर जो बना, ये लोडर का भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आप? लोडर के ऊपर लगा रहे ट्रैक्टर के ऊपर? ट्रैक्टर के ऊपर लोडर वगैरह, डोरी बजर फूल। अच्छा, भरने के लिए? हाँ जी, वो भी कर रहे हैं। देखो मेरे भाइयों, अच्छा जी, ये जो इधर ये जो इधर तैयार हो रही, ये इधर क्या बोलना है जी? ट्रेंचर ये जी, नाली खोदने वाली मशीन, जिसके बारे में भी हमने बताया था। आप जो अभी हमारे प्लांट में हो जी, ये यहाँ पर टोटल ट्रेंचर बनता है। अच्छा जी, टोटल ट्रेंचर ही बनता है इसमें? टोटल ट्रेंचर बनता है। और अभी इसके बाजू में मैं आपको लेकर के जाऊंगा, दूसरा प्लांट है जी, उसमें हमारे यहाँ ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग होती है। अच्छा जी। तो जी भैया जी, जैसा आप ये कर रहे हो इधर, और आपकी डिलीवरी कहाँ तक? डिलीवरी कहाँ तक? ऑल ओवर इंडिया हम लोग सप्लाई करते हैं। अच्छा, आउट ऑफ इंडिया हम लोग सप्लाई करते हैं। अच्छा, मतलब आउट ऑफ इंडिया भी कर रहे हैं सप्लाई? आउट ऑफ इंडिया हम लोगों की सप्लाई है, और इंडिया के अंदर तो कम्प्लीटली हमारा पूरा इंडिया के अंदर सप्लाई है। अच्छा जी। अच्छा जी, जैसा एक बात है जी, वैसे पहले भी कभी पुराने जमाने से ही खतौली का एक अपने आप नाम है, मतलब इंजीनियरिंग के मामले में कभी कभी पहले से नाम है। देखो यहाँ की कभी किसी टाइम में, पुराने जमाने में पुली बहुत मशहूर थी, बहुत ज्यादा जी, और कंपनी वाले एजेंसी वाले भी इधर से ही माल उठाते थे, उधर सप्लाई होता था। ट्रैक्टर की मोस्टली जितनी भी एजेंसी थी जी, वो सभी खतौली से पहले से ही ज्वाइंट थी। पहले से ही ज्वाइंट थे के मामले में खतौली बहुत टाइम से, बहुत लंबे टाइम से अपने आप में एक नाम रखता है। अच्छा, तो भैया जी, जैसा आप ये रेडी कर रहे हो, तो इधर ये आपने जैसा बताया कि ये इधर तो सिर्फ ट्रेंचर का ही है? हाँ जी, ये तो ट्रेंचर का है। अच्छा भैया, तो कोई रेडी खड़ी आपकी? हाँ, मशीन अभी बाहर गोदाम में, मैं आपको लेकर के चलता हूँ। आओ भाई, एक मशीन रेडी है, वो भी देखेंगे। देखो भाइयों, जैसा आप देख रहे हो, तो जी ये बनकर रेडी हो चुकी थी? ये बनकर रेडी है जी, और डिस्पैचिंग के लिए तैयार है। अच्छा जी, ये ट्रेंचर है, इसकी दो तीन चीजें हैं, मैं आपको बता जी दूं। जी, ये सबसे पहले तो ये फुल्ली हाइड्रोलिक है, मैनुअली गियरबॉक्स से नहीं बनाया गया है। अच्छा जी, फुल्ली हाइड्रोलिक है। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती थी हमारे भाइयों को काम करने में, जो अभी जल धन योजना का काम चल रहा है जी, गांव गली वगैरह में काम चल रहा है, छोटी छोटी गलियां होती है। हाँ जी, उसके अंदर जितने भी अभी तक ट्रेंचर मार्केट के अंदर लॉन्च हुए हैं, तो उनको आने ले जाने में बड़ी दिक्कत होती थी जी। हमने जो ट्रेंचर बनाया है, मैं वीडियो शेयर करूंगा उसकी भी आपसे, ऑपरेट करते टाइम की जी। तो इसमें क्या है, इसको आप फोल्ड कर सकते हैं, यानी किसी भी छोटे से छोटी गली के अंदर आप इसको लेकर के जा सकते हैं।
अच्छा जी। हाँ जी हाँ, वो बड़ी वो भारी दिक्कत थी जी वहाँ पर, इधर मोड़ने की या जाने उधर जाने की बड़ी थी दिक्कत, सारी दिक्कतें थी। और इसकी जो आप नाली की जो खुदाई है जी, वो आप 8 इंची से लेकर के 18 इंची तक की आप इसकी नाली की खुदाई कर सकते हैं जी, ठीक है। और इसकी जो डेप्थ है जी, इसकी डेप्थ तो आप 1 मीटर से लेकर के 1500 mm, अच्छा, यानी कि 5.5 फुट के आसपास। हाँ जी, 5.5 फुट मेरी हाइट मान लो मेरी, इतनी होगी, इतनी गहराई की, इतनी गहराई आप ट्रंच की कर सकते हैं, अच्छा, यानी कि नाली खोद सकते हैं जी। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं जी, ये 2-in-1 है। अच्छा, 2-in-1 का मतलब होता है कि आप मिडिल, यानी कि अगर आप बीच रास्ते पे खोदना चाहें जी, मिडिल में भी, अच्छा, और कॉर्नर यानी कि साइड के अंदर भी। हाँ, ये 2-in-1 है जी। आप इधर कैमरा लेकर आइए, मैं आपको दिखा देता हूँ। आ जाओ। हाँ, अगर हम साइड कराना चाह रहे तो मशीन एक साइड चलती रहेगी और हमारी जो ट्रेंच जो है एक तरफ बनती चली जाएगी। अगर आप फ्यूचर में चेंज करना चाहते हो, अभी मिडिल में लगा हुआ है, आप इसको निकाल करके साइड में भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा जी। फुल्ली कम्प्लीटली हाइड्रोलिक है जी, ठीक है जी। दोनों तरफ ट्रंच आप लेकर के चल सकते हो जी। ये हम आप लोगों के लिए लेकर का है और मार्केट में काफी अच्छा रेस्पॉन्स हम लोगों के साथ। देखो भाइयों, इसे बोलते हैं ट्रेंचर मशीन, नाली खोदने वाली, पाइपलाइन में और कमर्शियल में जहां भी काम आती है। बहुत ही शानदार, देखो कितना गजब का काम कर रही है। और 20 मजदूरों का काम ये मात्र 1 घंटे में कर देती है। जो काम 20 मजदूर पूरे दिन में करेंगे, ये 1 घंटे में करती है। देखो कितना सफाई का और शानदार काम कर रही है। भाइयों कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, वीडियो में बात तक बने रहें, जानकारी पूरी मिलेगी। देखो भाइयों, हम दूसरी यूनिट पर आए हैं भैया जी की, और यहाँ पे जो ये मशीन ने खड़ी है इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। चलो भैया जी, इधर से आप बताना शुरू करो। ये क्या चीज है भैया जी? ये ब्रिक्स मेकिंग मशीन है, ईंट छापने वाली, जो भट्टे को यूज होती है, ईंट छापने वाली मशीन है जी। जी अच्छा जी, गियरबॉक्स है जी, 2 से 3 प्रकार के हम लोग मॉडल तैयार करते हैं। अच्छा जी, ये डबल डाई की मशीन है जी। अच्छा जी, ये डबल डाई की मशीन है। और अच्छा जी, ये एक बात बताओ, इसमें जो मिट्टी होती है, मिट्टी इसमें किधर डलती है जी? इसमें मिट्टी के लिए केबिन बनाया गया है जी, ऊपर जो केबिन बन रहा। हाँ जी हाँ जी, ऊपर जो केबिन बन रहा भाइयों, वो भी ऊपर आप हम आपको दिखाते हैं। देखो ये देखो, जैसा आप देख रहे हो, ये जो ऊपर केबिन बन रहा है, ये मिट्टी जो गिल्ली करके जो गारा तैयार कहते हैं, जैसे गारा जो मिट्टी का तैयार करते हैं, वो इसमें डाला जाता है और वहां से ही। अच्छा जी, इसे ट्रैक्टर वगैरह चलाता है जी? हाँ जी, 50 से 60 HP का कोई भी ट्रैक्टर आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। 50 से 60 HP का ट्रैक्टर भैया इसमें यूज किया जाता है, छोटे ट्रैक्टर के बस की नहीं है। देखो ये चलानी, सबसे बड़ी बात यह है। अच्छा भैया जी, ये एक बार इसमें जो मिट्टी भर देंगे तो कितनी ईंटों की छपाई कर देगी? ये 5000 से 6000 पर घंटा, पर घंटा इसकी कैपेसिटी। अच्छा जी, 5 से 6 हजार घंटा मेरे भाइयों इसकी कैपेसिटी है ये ईंट छापने की। अच्छा जी, जैसा उधर से चलती रहे तो इस हिसाब से करती रहेगी, साथ के साथ निकालती चली जा, साथ के साथ निकालती चली जाएगी। अच्छा जी, भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अच्छा जी, किस तरह से इसको मतलब इसकी ब्रिक्स निकलती है, ईंट निकलती है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। दो मॉडल हम लोग बनाते हैं और मैं आपसे एक चीज और शेयर करूंगा जी, जी। और बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जी, इंडिया के अंदर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं जो ब्रिक्स मेकिंग मशीन बनाते हैं जी, ईंट छापने वाली मशीन जी, लेकिन ज्यादातर लोग अगर आप देखोगे तो एक ही पैटर्न पे काम कर रहे हैं जी, एक ही पैटर्न पे काम कर रहे हैं और थोड़ा सा डिजाइन को लेकर के जी अप एंड डाउन हो जाता है, लेकिन अदरवाइज जो काम करने की जो थ्योरी है वो सभी लोगों की सिमिलर ही है जी, जी। लेकिन हम लोगों ने भट्टे मालिकों की समस्या को देखते हुए तो क्या सुधार होनी चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए, तो अली एंटरप्राइजेस ने सबसे पहला सुधार आप लोगों के लिए किया है, जिसके अंदर आप कम बजट में अच्छी से अच्छी ईंट हम भट्टा मालिकों को दे सकते हैं। हाँ, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी दे सकते हैं जी, सही बात। और जैसे कि अभी तक मशीन आप लोगों ने देखा होगा कि ज्यादातर ईंटों के अंदर शिकायत आती थी कि नीचे की तली का खराब होना, कोरों का मारना, ये सभी तरह की शिकायत होती थी। थोतरापन आना, 3 साल से मार्केट में काम कर रहा हूँ जी, जी। और मार्केट में काम का मतलब ये नहीं है जी ऑफिस में बैठ के काम कर, हाँ जी हाँ, मैं फील्ड देख रहे, खड़ा होकर काम करना, क्या कमी है, क्या सुधार होने चाहिए, क्या सुधार हो सकता है। और इसी सारी चीजों को 3 साल का रिजल्ट लेने के बाद जी जी मैं जो लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, भट्टा मालिकों के लिए जी, मैं आज शेयर करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी, यूनिक है जी। और
बहुत परफेक्ट काम करता है जी जी। ये मशीन जो आप देख रहे हो जी एक छापने वाली मशीन है। अब इसके अंदर जो हम लोगों ने चेंजिंग किया है जी, आपने देखा होगा जो पहले मशीन थी उनकी साइड बैक साइड के अंदर व्हील आता था जहां से ब्रिक्स निकलता था, ईंट निकलता था। जी हाँ, साइड में। लेकिन हम लोगों ने इसके व्हील को साइड में दिया है, उसकी वजह क्या है? आ जाइए सर, थोड़ा इधर लाएं और इधर वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिलेगी। अच्छा, ये साइड में दे दिया भैया जी, इधर देखो भाइयों, ये देखो बिल्कुल यूनिक मार्केट में दिया है जी। और ये जो इसके ऊपर हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा हुआ है, ये फुल्ली हाइड्रोलिक सेंसर ऑपरेटेड है, यानी कि आपका जो पसार है उसके पसार के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली अप एंड डाउन होता है। इसको बार बार छेड़ने की या करने की कोई जरूरत नहीं है जी। एक बार सेट करेंगे उसके बाद लाइफ में कभी इसको सेट करने की जरूरत नहीं है। और जब आपकी पसार के अकॉर्डिंग कोई भी चीज चलेगी, जितना अप एंड डाउन पसार होगा, अप एंड डाउन होता शुरू हो जाएगा, तो फिर वो तो सोचने वाला मुद्दा ही नहीं रहा कि जहां हमारी मिट्टी ऐसे है ढालनुमा होगी तो उस हिसाब से डाउन, जैसा कि कंप्यूटर का मांजा होता है जी। वो उस हिसाब से उसे अपना भी लेवल के लिए चलता है। बिल्कुल। देखो मेरे भाइयों कितना एक यूनिक है, और एक यूनिक सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल मार्केट में धूम मचाने वाली है। और मैं भैया जी का भी नंबर आपको दूंगा वीडियो के माध्यम से, और आप जो भी आप जिस भाई को संपर्क करना हो संपर्क कर ले, और आकर इंडस्ट्रीज में भाई आकर देख कर भी तसल्ली कर सकता है और खरीद सकता है कमर्शियल के लिए। और एक प्रोडक्ट है वो भी वीडियो में सर को दूंगा, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जी। क्रश बैरियर इंस्टॉलेशन मशीन जी, रोड के किनारे जो बैरियर लगता है जी उसको बोलते हैं, उसको हैमर करने के लिए जो मशीन बनाई गई है उसको बोलते हैं क्रश बैरियर इंस्टॉलेशन मशीन जी। हैमर के द्वारा जी, पहले आपने देखा होगा किसी भी क्रश बैरियर को इंस्टॉल करने के लिए एक होल करना पड़ता था, होल करना पड़ता था, उसके बाद होल करो, बैरियर रखो, रोड़ी बजरपुर डालो, बिल्कुल जी बिल्कुल सारी प्रक्रिया होती थी जी। लेकिन हम लोगों ने मशीन बनाई है क्रश बैरियर इंस्टॉलेशन मशीन जी, उसके द्वारा 30 सेकंड के अंदर 7 फीट 2 मीटर तक के पोल को सी चैनल को ग्राउंड कर सकते हो, जमीन के अंदर गाड़ सकते हो। अच्छा जी। हाँ जी, मैक्सिमम 30 सेकंड के अंदर। अच्छा जी। और मार्केट के अंदर पहले से ही अली एंटरप्राइजेस उस मशीन के अंदर भी काम कर रही है, और 2 साल तक का हम लोगों के पास रिजल्ट भी है जी उस मशीन का। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, अगर किसी भी भाई को क्रश बैरियर इंस्टॉलेशन मशीन जी, जो कि क्रश बैरियर रोड पे भी काम में आती है और हमारे सोलर प्रोजेक्ट के अंदर भी काम में आती है। हाँ जी, सोलर के लिए जो हमारे ये पोल वगैरह और अर्थिंग के लिए भी और के लिए सब के लिए। किसी भी भाई को इन तीन पार्ट में किसी भी मशीन की जरूरत हो तो मैं अली एंटरप्राइजेस से हसन अली आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हम लोगों से संपर्क करें और अपनी सेवा का मौका दें। ठीक है भाइयों देखो अली एंटरप्राइजेस हैवी ड्यूटी है, देखो भैया जी का नंबर दिया हुआ है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको इनका नंबर डाल दूंगा, जिस भाई को जरूरत है वो आकर ले सकता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।